दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जगत ज्ञान में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आप सभी जानते होंगे कि विंडोज 7 14 जनवरी 2020 को एक्सपायर होने वाला है। अगर आपके मन में सवाल है विंडोज 7 एक्सपायर होने के बाद आपको चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए, फलाना ढिमाका, तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है मैंने। आज के वीडियो में खास यह है मैं विंडोज 7 को अपडेट करके विंडोज 10 बनाऊंगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन A to Z जानकारी मिलेगी आपको, जैसे कि मैं आपको विंडोज 10 डाउनलोड करना बताऊंगा, वो भी Gen 1 माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से। दूसरा आपको आपके कंप्यूटर के ड्राइवर डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा। बहुत लोग होंगे जिन्हें नहीं मालूम होगा ड्राइवर क्या चीज होता है, वीडियो आगे तक देखते रहिए, डिटेल में बताया है मैंने, समझ जाएंगे। विंडो को USB पेन ड्राइव में बूट करना बताऊंगा, फॉर्मेट करने के बारे में बताऊंगा कैसे होता है क्या क्या होता है, फिर विंडोज इंस्टॉल होने के बाद विंडोज को एक्टिवेट करने के बारे में बताऊंगा, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए ड्राइवर डाउनलोड कर लेते हैं। अब बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं मालूम होगा ये ड्राइवर से आखिर होता क्या है, क्यों डालते हैं कंप्यूटर में, क्या जरूरत है, उन्हें मैं एक लाइन में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपका माउस ना चले, कीबोर्ड ना चले, डिस्प्ले की ब्राइटनेस ना कम ज्यादा हो, वाईफाई ना चले, और बहुत लोगों के कंप्यूटर में ऐसा भी होता है कि उनका USB पेन ड्राइव ही नहीं काम करता है, तो ये सब प्रॉब्लम ड्राइवर की वजह से होती है। और विंडोज डालने के बाद ये सब प्रॉब्लम ना, इसलिए हम ड्राइवर पहले से ही डाउनलोड कर लेंगे। ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट कर लेंगे, अपना ब्राउजर ओपन कर लेंगे। अभी मुझे नहीं मालूम आपका लैपटॉप कौन सा है, किस कंपनी का है, किस मॉडल का है, मैं सिंपल तरीका बताऊंगा, एक लाइन में बताने की कोशिश करूंगा, आप समझ जाइएगा। जैसा कि मेरा कंप्यूटर अभी एसर कंपनी का है तो मैं यहाँ पे एसर लिखूंगा, आपका HP का है या और किसी चीज का है तो आप यहाँ पे HP लिखिए, जैसे मैंने HP लिख दिया है। ये HP वाला मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। अब अपने कंप्यूटर की कंपनी का नाम लिखने के बाद उस कंप्यूटर की सीरीज का नाम लिखेंगे। मेरा कंप्यूटर एसर एस्पायर सीरीज में आता है तो मैं यहाँ पे एस्पायर लिखूंगा। HP में भी कई सीरीज होती है, जैसे आपका HP का पावेलियन है तो यहाँ पे पावेलियन लिखेंगे। लिनोवो में भी होता है, जैसे लिनोवो थिंकपैड, सबका सब कंपनियों ने अलग अलग नाम रखे होते हैं। कंपनी और सीरीज का नाम लिखने के बाद अब मॉडल नंबर डालेंगे, जैसे मेरे कंप्यूटर का मॉडल नंबर ES1-571 है। HP का एग्जांपल दे देता हूँ, G4 1303 AU। अब हमने कंपनी का नाम, सीरीज का नाम, मॉडल नंबर लिख दिया है, अब हम लिखेंगे ड्राइवर, और जिनका HP का है वो भी अब ड्राइवर लिख के सर्च कर देंगे। अब आप देखेंगे सबसे ऊपर की जो वेबसाइट है वो आपके कंप्यूटर की ऑफिशियल वेबसाइट है, इन्हीं पे हमें जाना है। वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, आपके लैपटॉप का मॉडल नंबर वगैरह तो आ ही गया है यहाँ पे। आप ध्यान से देखेंगे आपको ड्राइवर भी दिख जाएगा, जैसे कि एसर की वेबसाइट पे मैं मेनू पे क्लिक किया हूँ और यहाँ पे ड्राइवर का ऑप्शन दिख गया है मुझे। अब ये पूछ रहा है कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ड्राइवर चाहिए आपको, तो मैं अभी विंडोज 10 सेलेक्ट कर लिया हूँ और ड्राइवर पे क्लिक किया। अभी आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर के ड्राइवर की लिस्ट आ गई है, ऑडियो ड्राइवर है, ब्लूटूथ ड्राइवर है, कार्ड रीडर का ड्राइवर है, वायरलेस का ड्राइवर है, यानी कि वाईफाई का यही ड्राइवर है। अब HP वाले में देख लेते हैं किस तरह से आया है। यहाँ पे भी पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया, हम विंडोज 10 डाल रहे हैं तो विंडोज 10 सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ऑल ड्राइवर पे क्लिक करेंगे, सारे ड्राइवर की लिस्ट आ जाएगी, सब डाउनलोड भी कर लेंगे। डाउनलोड के लिए सिंपल है, सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड होने लगेगा। ये सब ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से डाउनलोड करने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ डाउनलोड पे ही क्लिक किया था और डाउनलोड भी हो गया है। अब हम विंडोज 10 डाउनलोड करेंगे, वो भी माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से। अपना वेब ब्राउजर ओपन कर लेंगे, यहाँ पे डाउनलोड विंडोज 10 लिखेंगे और सर्च करेंगे। सबसे ऊपर वाली जो वेबसाइट है डाउनलोड विंडोज 10 डिस्क में, जिसपे क्लिक करेंगे ISO फाइल, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसमें इस बात की पूरी गारंटी रहेगी आप जो अपने कंप्यूटर में विंडो डाल रहे हैं वो जेन्युइन विंडो है। अब यहाँ पे डाउनलोड टूल नाउ का एक ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होने लगेगा। कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यस के लिए ऑप्शन आएगा तो यस कर देंगे। उस सॉफ्टवेयर को एक बार रन कराने के बाद, यानी कि एक बार यस करने के बाद दोबारा से यस नहीं कराना, यानी कि दोबारा से रन नहीं कराना, इसमें दिक्कत आ जाएगी। जब तक आपके सामने सॉफ्टवेयर रन ना हो जाए अपने आप, हो सकता है इसमें 10-5 मिनट आधे घंटे का समय लग जाए। अभी आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन में सॉफ्टवेयर आ चुका है। वैसे तो विंडोज डाउनलोड करने के और भी तरीके हैं, लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो सबके लिए है, आसान है। अब एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों विंडोज 10 की फाइल करीब 6 से 7 GB के अंदर होगी, मेरा कहने का मतलब ये है आप करीब 6-7 GB इंटरनेट की व्यवस्था कर लीजिए। वैसे तो जियो का टाइम है, आप 10 GB का कोई अच्छा सा सस्ता सा पैक डलवा सकते हैं, और जिनके पास ब्रॉडबैंड है उनकी तो बात ही अलग है। अब यहाँ पे क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया को सिलेक्ट करेंगे, अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, रिकमेंडेड ऑप्शन से चेक मार्क हटा देंगे, सब कुछ ठीक है। आर्किटेक्चर में आपको बोथ सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि 64 बिट और 32 बिट दोनों डाउनलोड करेंगे हम।
इससे फायदा यह होगा कभी हमें 64 बिट का डालना होगा तो हम 64 बिट का विंडो भी डाल सकते हैं, 32 बिट का विंडो डालना होगा तो 32 बिट का भी डाल सकते हैं। और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब ISO फाइल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है आप विंडो कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, जहाँ आपको सेव करनी है वहाँ पे सेव कर दीजिए। मैं आपको सलाह दूंगा लोकल डिस्क से, यानी कि आप जिसमें विंडो डालने वाले हैं उस डिस्क में ना सेव कीजिए, किसी अदर डिस्क में सेव कीजिए। विंडोज की डाउनलोडिंग होने लगेगी, समय कितना लगेगा ये आपकी इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा। दोस्तों विंडोज 7 को विंडोज 10 में बदलने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला, जैसे कि आपके कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर वगैरह डला हुआ है जिससे आप इंटरनेट चलाते हैं, फोटोशॉप डला हुआ है जिससे आप एडिटिंग वगैरह करते हैं, और भी कई सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, आप चाहते हैं कि ये सब डिलीट या अनइंस्टॉल ना हो और विंडोज 7 का विंडोज 10 बन जाए बिना कुछ मेहनत करे हुए। ऐसा हो सकता है लेकिन ये बेकार तरीका है। इस तरह से विंडोज बदलने वाले कई बार मेरे पास कंप्लेंट करते हैं, सर हमारा विंडोज स्लो चल रहा है, हैंग हो रहा है, एरर आ रहे हैं, फलाना ढिमाका। ऐसा क्यों होता है, इसके बहुत सारे रीजन है, डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो नाजायज लंबा हो जाएगा। और जो दूसरे वाला तरीका है, हम उसमें फ्रेश इंस्टॉलेशन करेंगे, मतलब जैसा कि अभी हमारा विंडोज 7 जिस डिस्क में डला हुआ है हम उस डिस्क को फॉर्मेट कर देंगे और उसी डिस्क में विंडोज 10 दोबारा से इंस्टॉल करेंगे, ताकि पुरानी वाली जितनी भी समस्याएं सब जड़ से खत्म हो जाएं और हमें बिल्कुल एक नया कंप्यूटर इस्तेमाल करने को मिले जैसा कंपनी से आया होता है। मैं आपको भी सलाह दूंगा, आप भी फ्रेश इंस्टॉलेशन करिए। फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हमें इसे पेन ड्राइव में बूट कराना है। कराने को तो हम डीवीडी में भी बूट करा सकते हैं, लेकिन 8 GB की डीवीडी मार्केट में आपको काफी महंगी मिलेगी और जल्दी ढूंढने से मिलेगी भी नहीं। मैं आपको सलाह दूंगा 250-300 रुपए में आजकल मार्केट में संडिस की जेनवन 16 से 32 GB की पेन ड्राइव मिल जा रही है, आप वो ले लीजिए, अमेजन वगैरह से भी मंगा सकते हैं। वैसे पेन ड्राइव मंगाने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अपनी पेन ड्राइव कंप्यूटर में कनेक्ट कर लेंगे। पेन ड्राइव में विंडो बूट कराने के लिए आपको रुफुस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब सॉफ्टवेयर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्टर सेलेक्ट कर लेंगे, यस का ऑप्शन आएगा यस कर देंगे, नो पे क्लिक करेंगे, डिवाइस में आपने जो पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाई है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपने विंडोज 10 की जो ISO फाइल डाउनलोड करके जहां सेव कर रखी है वहां पे आ जाएंगे और ISO फाइल सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। पार्टीशन स्कीम में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, MBR और GPT, कौन सा सिलेक्ट करना है आपको, यहाँ पे थोड़ा आप दिमाग लगाइए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपकी हार्ड डिस्क MBR पार्टीशन स्कीम में है तो MBR सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और अगर आपकी हार्ड डिस्क GPT पार्टीशन स्कीम में है तो यहाँ पे GPT सिलेक्ट करेंगे। अब बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें नहीं मालूम होगा उनकी हार्ड डिस्क अभी कौन से पार्टीशन स्कीम में है, MBR या GPT, कैसे चेक करेंगे मैं बता देता हूँ। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट लिखेंगे और कंप्यूटर मैनेजमेंट प्रोग्राम आ जाएगा, इसे ओपन कर लेंगे। डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको डिस्क 0 बेसिक दिखेगा, ये आपकी हार्ड डिस्क है। डिस्क 0 पे आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, वॉल्यूम टैब पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पार्टीशन स्टाइल में साफ साफ लिखा दिख जाएगा MBR, यानी कि मास्टर बूट रिकॉर्ड। इसका मतलब ये हमारी हार्ड डिस्क अभी MBR पार्टीशन स्कीम में है, और अगर GPT पार्टीशन स्कीम में होती आपकी हार्ड डिस्क तो यहाँ पे GPT लिखा हुआ होता। ये मैं आपको अपनी पेन ड्राइव की प्रॉपर्टीज दिखा रहा हूँ, ये GPT पार्टीशन स्कीम में है। अभी इसे क्लोज कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ MBR और GPT आप समझ गए होंगे, ये आगे चल के आपके काम आएगा। और फाइल सिस्टम में आपको NTFS सिलेक्ट करना होगा, क्लस्टर साइज में 4096 सिलेक्ट करेंगे, बाकी सब कुछ ठीक है। अब स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ओके के लिए पूछेगा, यानी कि ये कह रहा है कि आपके पेन ड्राइव में जो भी डाटा है मैं उसे फॉरवर्ड कर दूंगा। तो मेरी पेन ड्राइव में अभी कोई जरूरी डाटा नहीं है, मैंने सब बैकअप ले लिया है, ओके कर देंगे। कंप्लीट होने में कुछ समय भी लग सकता है, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे रेडी लिखा हुआ आ जाएगा, और जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक पेन ड्राइव को कंप्यूटर से बाहर नहीं निकालेंगे, इसमें आपकी पेन ड्राइव खराब हो सकती है। अब कंप्यूटर शट डाउन करेंगे। अब जो आपने बूटेबल पेन ड्राइव बनाई है उसे कंप्यूटर में कनेक्ट कर देंगे और पावर ऑन करके बूट की दबाएंगे। चलिए बूट मेनू के बारे में समझने से पहले कुछ बायोस सेटअप के बारे में समझ लेते हैं। अपने कंप्यूटर की पावर ऑन करेंगे, पावर ऑन होते ही बायोस सेटअप में जाने वाला बटन दबाएंगे। एसर में F2 होता है, HP में F10 होता है, और किसी में एस्केप होता है, किसी में F11 होता है। सब कंपनी की बायोस सेटअप में जाने के लिए की अलग अलग होती है, लेकिन होती सब में बिना इसके आपका कंप्यूटर कंप्यूटर ही नहीं होगा। और बाकी कंपनियों में कौन सी की होती है वो लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पावर ऑन किया, F2 F2 F2, ये मैं बायोस सेटअप की दबा रहा हूँ। HP का खोल के दिखा देता हूँ। पावर ऑन किया, F10 F10 F10, लगातार दबाते रहना है। देखिए बायोस में ऑप्शन ऊपर नीचे करने के लिए इन बटन का इस्तेमाल करते हैं। ये एसर का बायोस है, यहाँ पे बूट टैब में आ जाएंगे। अब ये HP का बायोस है, यहाँ पे बूट टैब नहीं है, लेकिन बूट नाम की चीज कहीं ना कहीं तो होगी, आगे पीछे करके देखेंगे।
आप देख सकते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में दिख गया है, नीचे करेंगे बूट ऑप्शन, इस पर एंटर करेंगे। अब एसर पे चलते हैं। देखिए मोटा मोटा मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, बायो सेटअप में आएंगे, बूट मेनू में आएंगे, बूट मोड में आएंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे UEFI और लेगेसी। HP में भी बूट के लिए दो मोड हैं, UEFI और लेगेसी, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। कौन सा सेलेक्ट करना है मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। देखिए अगर आपकी हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल MBR था तो आपने पेन ड्राइव को बूट कराते समय MBR ही सिलेक्ट किया होगा, और अगर सब कुछ MBR है तो आपको बूट मोड में लेगेसी सिलेक्ट करना होगा। लेगेसी सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। अगर यहाँ पे UEFI सिलेक्ट करेंगे तो विंडोज नहीं डलेगा, दिक्कत आ जाएगी। और अगर आपकी हार्ड डिस्क की पार्टीशन स्टाइल GPT थी तो आपने पेन ड्राइव को बूट कराते समय भी GPT ही सिलेक्ट किया होगा, और सब कुछ GPT है तो आपको बूट मोड में UEFI सिलेक्ट करना होगा। अगर लेगेसी सिलेक्ट करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। और अगर UEFI सिलेक्ट किया है तो सिक्योर बूट डिसेबल होना चाहिए, अभी एनेबल है, डिसेबल करने के लिए इस पे एंटर करेंगे और डिसेबल सिलेक्ट कर लेंगे। अब HP का दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे थोड़ी सेटिंग अलग सी है लेकिन बेस पॉइंट सबका एक ही होता है। यहाँ पे आपको लेगेसी सपोर्ट दिख रहा है, इस पे आ जाएंगे। अगर आपकी हार्ड डिस्क पार्टीशन स्कीम MBR थी और पेन ड्राइव भी आपने MBR में ही बूट करी है तो लेगेसी सपोर्ट को एनेबल रहने देंगे। अगर आपकी हार्ड डिस्क पार्टीशन स्कीम GPT थी तो यहाँ पे लेगेसी सपोर्ट को डिसेबल करना है। कहने का मतलब मेरा यही है, सब कुछ MBR में था तो लेगेसी में रहेंगे, सब कुछ GPT में था तो UEFI में रहेंगे, और अगर आप UEFI में जा रहे हैं तो आपको सिक्योर बूट का एक ऑप्शन जरूर दिखेगा। कोई सा भी कंपनी का लैपटॉप हो, सिक्योर बूट को डिसेबल रखना है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। एक खास बात का ध्यान और देना है, बूट की कई कंप्यूटर में पहले से डिसेबल होती है, हमें एनेबल करना होगा। एनेबल करने के लिए आपको ऑप्शन खुद ही ढूंढना होगा, मुझे ये मेन में दिख गया है F12 बूट मेनू, एनेबल कर रखा है मैंने पहले से, डिसेबल था पहले, मैंने एनेबल किया है। और ये सारी सेटिंग सेव करने के लिए कोई सा भी कंपनी का लैपटॉप कंप्यूटर हो आपको F10 दबाना है, यस के लिए ऑप्शन आएगा, यस कर देंगे। पावर ऑन करेंगे, बूट की दबाएंगे, लगातार दबाते रहेंगे। यहाँ पे आपको आपकी पेन ड्राइव दिख जाएगी, सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। प्रेस एनी की टू बूट लिखा आएगा, कोई सी भी की दबा देंगे। चलिए अब कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, यहाँ पे देखने मजा आ नहीं रहा है। यहाँ पे आप जिस बिट का विंडो डाल रहे हैं वो बिट सिलेक्ट कर लेंगे। हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो कौन से बिट का विंडोज डालना चाहिए, कौन से बिट का नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए i3 से ऊपर का CPU है और 4GB या 4GB से ज्यादा रैम है आपके कंप्यूटर में तो आप 64 बिट का विंडोज डालिए, और अगर i3 से नीचे का प्रोसेसर है, 4GB से भी कम रैम है तो आप 32 बिट का विंडोज डालिए। 64 बिट विंडोज डाल दोगे उसमें तो वो स्लो चलेगा, कोई फायदा नहीं है। मोटा मोटा कहने का मतलब ये है, मजबूत हार्डवेयर है तो आप 64 बिट का विंडो डालिए, कमजोर हार्डवेयर है तो आप 32 बिट का विंडोज डालिए। और दोनों में फर्क क्या होता है ये भी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। जो 32 बिट का विंडोज होता है उसमें 64 बिट का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर नहीं चलता है, और जो 64 बिट का विंडोज होता है उसमें 64 और 32 बिट दोनों ही बिट के प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर चलते हैं। हो सकता है कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हो, उनके लिए एक छोटा सा सॉल्यूशन है। पहले आप 64 बिट का विंडोज डाल के देख लीजिए, ठीक चलता है तो कोई बात नहीं, अगर स्लो चलता है तो आप 32 बिट का विंडोज डाल लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा आपके कंप्यूटर में कौन से बिट का विंडोज मैच करता है। मैं अभी 64 बिट का विंडोज डाल रहा हूँ तो इसको सिलेक्ट करके एंटर करूंगा। यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, मैं भी माउस से क्लिक कर रहा हूँ। लेकिन कई लोगों के कंप्यूटर में ऐसा भी होता है विंडो डालते समय माउस वगैरह काम नहीं करता है, तो बिना माउस के ये सारे काम आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपके कीबोर्ड में एक टैब नाम का बटन होता है उसको दबाएंगे तो ये ऑप्शन ऊपर नीचे होंगे जैसे हो रहे हैं देख सकते हैं आप, और एंटर से नेक्स्ट हो जाएगा। अब इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट की के लिए आएगा, आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की, इस पे क्लिक करेंगे। विंडो हम बाद को एक्टिवेट करेंगे, विंडोज 10 प्रो सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो N वाला वर्जन है ये हमारे काम का नहीं है, प्रो वाला सबसे बेस्ट रहता है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट पे मार्क कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कस्टम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क में जितने भी पार्टीशन है उनकी लिस्ट आ जाएगी। अभी जो मेरी लोकल डिस्क सी थी वो 97 GB की थी तो मैं इसी को एक बार फॉर्मेट करूंगा। लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट कैसे करेंगे, यही फॉर्मेट होता है। आप इसी से विंडोज की डिस्क अपनी पूरी फॉर्मेट कर सकते हैं, इससे पुराने वाला पूरा विंडो आपका फॉर्मेट हो जाएगा। ओके कर देंगे। लेकिन फॉर्मेट करने से पहले ध्यान दीजिएगा आपने बैकअप ले लिया हो, और जो 152 GB की ये डिस्क है इसमें मेरा पर्सनल डाटा है, मैं इसको फॉर्मेट नहीं करना चाहता हूँ। अब बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो चाहते हैं कि उन्हें अपना पूरा कंप्यूटर ही फॉर्मेट करना है, उनको क्या करना है एक एक डिस्क को सिलेक्ट करके फॉर्मेट फॉर्मेट पे क्लिक करते जाना है, सारी डिस्क उनकी फॉर्मेट हो जाएगी।
अब मैं विंडोज डालने के लिए अपना 97 GB वाला डिस्क सिलेक्ट करूंगा और नेक्स्ट करूंगा। आपकी विंडो इंस्टॉल होने लगेगी। इसमें कितना समय लगेगा ये आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर पे डिपेंड करता है। 5 मिनट भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है। मैं वीडियो थोड़ा फॉरवर्ड करूंगा। आपका कंप्यूटर कई बार अपने आप बंद होगा, चालू होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइनली में कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे यस करेंगे, यहाँ पे यूएस ही सिलेक्ट रहने देंगे और यस करेंगे। स्किप सिलेक्ट करेंगे, आई डोंट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आप अपने कंप्यूटर का नाम डाल देंगे, जैसे मैं अभी जगत गैन डाल देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कंप्यूटर में आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो पासवर्ड लगा सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे भी डिक्लाइन कर देंगे। यहाँ पे भी जितनी चीजें हैं हम सबको बंद कर देंगे। वैसे तो मैंने विंडोज 10 को और भी ज्यादा सुरक्षित और भी ज्यादा सिक्योर करने के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अब एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। कंप्लीट इंस्टॉलेशन होने के बाद आपके सामने आपका डेस्कटॉप आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब आपका विंडोज 7 विंडोज 10 में बदल चुका है। अब हो सकता है बहुत लोगों के कंप्यूटर में वाईफाई ना काम कर रहा हो, यूएसबी पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड वगैरह ना कनेक्ट हो रहा हो, डिस्प्ले का रेजुलेशन अजीब सा हो गया हो, जैसे मेरे कंप्यूटर में पहले काफी चौड़ा आ रहा था, अब छोटा सा हो गया है, डिस्प्ले की ब्राइटनेस ना कम हो रही हो, और भी कई समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा होने पे कई लोग डर जाते हैं, सोचते हैं विंडो डालने से हमने अपना कंप्यूटर खराब कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ड्राइवर की समस्या है। अब समय आ गया है जो ड्राइवर आपने पहले से डाउनलोड करके रखे हुए हैं उन्हें इंस्टॉल करना है। आपने ड्राइवर जहाँ पे सेव कर रखे हैं उस लोकेशन पे आ जाएंगे। ड्राइवर आपको दो तरह से दिख सकता है। यहाँ पे डायरेक्ट exe फाइल में होगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं एप्लीकेशन फाइल में है। इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपल है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट नेक्स्ट पे ही क्लिक करना है। मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ। कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करते समय आपको नेक्स्ट नेक्स्ट ही क्लिक करना है। लाइसेंस और एग्रीमेंट के लिए पूछेगा, उसको एक्सेप्ट करना होता है। और कई प्रोग्राम या ड्राइवर जिप फाइल के अंदर होते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं जिप फाइल के अंदर है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको जिप फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है और एक्सटेंड ऑल का ऑप्शन दिखेगा, इसको सिलेक्ट करेंगे। चेक मार्क लगा होगा, इसको हटा देंगे, एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे सेम नाम से एक नया फोल्डर आ गया होगा आपके सामने। इसके अंदर जाएंगे, एक फोल्डर और मिलेगा, इसके अंदर भी आएंगे। इसमें एक सेटअप एप्लीकेशन फाइल होगी, वही हमारे काम की है, उसी के ऊपर हम डबल क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे। नीचे करेंगे आपको दिख जाएगा, आप देख सकते हैं सेटअप एप्लीकेशन फाइल मेरे को मिल चुकी है। इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, यस के लिए ऑप्शन आएगा, यस कर दूंगा। फाइल तो इसमें सेटअप नाम की और भी थी, लेकिन ये कोई और फाइल है, जो हमें एप्लीकेशन फाइल चाहिए वो नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है कैसे इंस्टॉल होगा ड्राइवर। आप एक एक करके सबको इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद कंप्यूटर रिस्टार्ट करने के लिए कहेगा, रिस्टार्ट करिए, ताकि आपने जो ड्राइवर डाले हैं वो कंप्यूटर में सही तरह से अपना काम करने लगे। लगभग हमारा सारा काम हो चुका है, लेकिन अभी हमारा विंडोज 10 एक्टिवेट नहीं हुआ है। एक्टिवेट करने के लिए कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट कर लेंगे, इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लेंगे। एड्रेस में क्या टाइप करेंगे, जो मैं टाइप करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसे डालना है, मैं तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आ जाएंगे, यहाँ पे गूगल क्रोम लिखेंगे, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट ओपन कर लेंगे, डाउनलोड क्रोम पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, सेव सिलेक्ट कर लेंगे, अब रन पे क्लिक करेंगे, यस के लिए ऑप्शन आएगा तो यस कर देंगे। आपके कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर डल चुका होगा। अब बाकी प्रोग्राम कैसे डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा होगा। गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे, यहाँ पे जेट पीसी इंटो लिखेंगे और सर्च कर देंगे। जो आपको मैं वेबसाइट बता रहा हूँ, इस वेबसाइट की कई सारी डुप्लीकेट वेबसाइट भी हैं, तो ध्यान दीजिए जो वेबसाइट मैं खोल रहा हूँ वही वेबसाइट खोलनी है। ये वही वेबसाइट है जहाँ पे आपको कोरल, फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फलाना ढिमाका हर चीज मिलेगा। लोग मेरे से कहते हैं कि कोई ऐसी वेबसाइट बताइए जहाँ पे सब कुछ मिल जाए, वो भी क्रैक वर्जन के साथ में, यानी कि पैसों वाला सॉफ्टवेयर खरीदना ना पड़े। तो यही वो वेबसाइट है जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। सर्च पे क्लिक करेंगे, फोटोशॉप लिखेंगे, गो, बड़ा कर लेते हैं इसे। यहाँ पे आपको फोटोशॉप के कई सारे वर्जन की लिस्ट मिल जाएगी। हम अभी फोटोशॉप CC 2020 पे क्लिक करेंगे, ये लेटेस्ट वर्जन है। थोड़ा नीचे आ जाएंगे, डाउनलोड का बटन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे। कोई फर्जी वेबसाइट नहीं है, पेज एक दो बार रिफ्रेश होगा, कोई एड वेड नहीं आएगी और डायरेक्ट डाउनलोड होने लगेगा। आप देख सकते हैं नीचे डाउनलोड भी होने लग गया है। तो इस तरह से आप जो चाहे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आपके कंप्यूटर का सारा काम हो चुका है। काफी लंबा वीडियो हो गया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। आपकी कोई समस्या हो, कोई विचार हो, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।